परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 6 भरत, उसका प्रकार है एकांकी। स्वाध्याय के हमने दो प्रश्न देखे थे, एक एक वाक्य में प्रश्न और दो दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 3 सविस्तार उत्तर। पहला प्रश्न है, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशी बालक है? दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशी बालक है? सर्वदमन तपस्विनियों के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। अगले वीडियो में हम सर्वदमन को समझाते थे, तो कि सर्वदमन तपस्विनी से के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था, कि जब दो तपस्विनियाँ थी वो उसे समझा रही थी कि तुम सिंह शावक के बच्चे के साथ खेलना छोड़ दो, तब वह उसकी बात नहीं मान रही थी। तब तपस्विनी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ा हो। जब वह कितनी देर से उसे समझा रही थी कि तुम छोड़ दो, और एक तपस्विनी उसे लालच देती है कि मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, तब वह सर्वदमन कहता है कि पहले मुझे खिलौना दो, बाद में मैं उसे छोड़ दूंगा। तब वह तो दूसरी तपस्विनी से कहती है कि तुम जो मेरी कुटी में मिट्टी का मोर रखा है वो ले आओ। तब वह लेने जाती है, तब वह पेड़ के पीछे छिपे दुष्यंत से कहते हैं कि अब तुम ही उसे समझाओ कि वह सिंह शावक के साथ खेलना छोड़ दे। दुष्यंत से कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। हमने देखे थे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर कि कैसे समझाया उसने, तो उसने कहा कि तुम इसे क्या जो सिंह शावक के बच्चों को परेशान करोगे उसके साथ तुम उसका त जब उसके साथ सना प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है। उसे दुष्यंत ने सर्वदमन को समझाया कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के अम्मा जो तप आश्रम में रहते हैं उसके आचरण के विरुद्ध, आचरण यानी कि व्यवहार, तो कि हमारे व्यवहार के विरुद्ध है, और इसमें तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। ऐसा कहा तो उसने सिंह शावक के बच्चों को छोड़ दिया, तो सिंह शावक के हाथ से छूट गया। दुष्यंत ने यह कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्यंत ने उसके आश्चर्य से बिल्कुल मिलती जुलती है, और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं पूर्ववंशी है। कि हम कभी कितनी देर से उसे समझा रहे थे कि तुम सिंह शावक के बच्चे को छोड़ दो, वो हमारी बात नहीं मान रहे थे, पर आपने एक ही बार किया तब आपने उसने आपकी बात मान ली। यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ, और दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा कि तुमने ऐसा क्या कहा। तब तपस्विनी के कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत है वो तुम्हारी सूरत से बिल्कुल बहुत मिलती जुलती है, और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी इसे तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं पूर्ववंशी बालक है। इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्वदमन पूर्ववंशी बालक है। अगला प्रश्न है कि सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? कि सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे? सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बाल हठ देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते थे। कि सर्वदमन का जो साहस है, निर्भयता यानी कि बिना किसी भय का निर्भयता है, वो जिद्दी है कि बाल हठ यानी कि जिद्दी है, यह देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है
उसकी कोमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब इन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा, कि जो वह तो दूर से उसको देखता है कि यह बालक यानी कि सर्वदमन कितना साहसी है, निर्भय है, जिद्दी है, यह देखकर उसे बहुत आनंद होता है। उनके मन में सर्वदमन के प्रति जो प्रेम है वो जागता है। सर्वदमन के मुख पर ऐसी चमक है जो अग्नि की जैसी दमक, यानी कि अग्नि जैसा उसका मुख चमक रहा है। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह निश्चित ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र होगा। तभी उसमें इतना साहस, निर्भयता, जीद है कि उसके मुख पर ऐसी चमक है। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे लगता है कि यह ऐसा लक्षण तो किसी तेजस्वी वीर के पुत्र में ही होते हैं। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों का लक्षण है। उसकी कोमल हथेली देखकर उसके आनंद और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक को छुड़ाते समय वे बालक का हाथ स्पर्श करता है और अत्यंत सुख का अनुभव करता है। उसे लगता है कि मुझे इतना उसका हाथ छूकर इतना सुकून मिलता है, इतना स्पर्श अत्यंत सुख देता है। तो वह सोचते हैं कि जब वह इतना मुझे इतना सुख होता है तो जो किस भाग्यवान का यह बेटा होगा उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सूर्यदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उसका मनोरथ पूरा हुआ है? दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उसका जो मनोरथ है वो अब पूरा हो गया है? तो बालक सर्वदमन की दाएं बाह में एक रक्षा का धागा बांधा था। किसने बांधा था? तो कि यह महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने उसका धागा उसके बाह में बांधा था। तो बालक सर्वदमन की दाई बाह में एक रक्षा का धागा कश्यप ने बांधा था। इस रक्षा बंधन का नाम उपराजित था। कि उसका नाम क्या था? तो के उपराजित, जो उसे रक्षा का धागा उसे बांधा था उसे। तो कि यह सिंह शावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया। जो कि रक्षा जो अपराजित यानी कि उसके कोई विजय पराजित न कर सके, उसका अर्थ होता है अर्थ अपराजित के विजय न पा सके। तो के बालक सर्वदमन की बाह में एक रक्षा का धागा महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने बांधा हुआ था। इस रक्षा का नाम था अपराजित। सिंह शावक के साथ खेलते थे बाहर सर्वदमन। तब उसी समय वह धागा बालक की बाह से नीचे गिर गया जमीन पर। दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तो तपस्विनियों ने उन्हें रोका। फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। कि उसने रोका कि तुम यह धागा नहीं उठाओगे। उसको तपस्विनियों को पता था कि जब उसके माता पिता के अलावा यह धागा किसी और उठाएगा तो सांप बनकर वह धागा उसको डस लेगा। इसलिए तपस्विनी दुष्यंत को समझाते हैं कि तुम यह न उठाओ। फिर भी उसने उठा लिया दुष्यंत ने। ये उठा सका। तब दुष्यंत ने उसका आश्चर्य का कारण पूछा। तपस्विनियों ने कहा, यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका था, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि वे ही बालक के पिता है। कौन? तो के दुष्यंत। तब राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ है वो पूरा हुआ। कि जब उसके ये बच्चों के व्यवहार को उसको क्या कौन सा विचार आते थे, तो कि ये सुंदर था, निर्भय था, जिद्दी था, तो वो पेड़ के पीछे देख रहे थे।
कि उसका प्रेम ऐसा उसके ओर खींचे चले जाते थे। उसके मुख पर अग्नि जैसी चमक थी और हथेली कोमल और सुंदर थी। उसके हाथों में चक्रवर्तियों के लक्षण थे। यह देखकर उसे लगता है कि यह पुत्र अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। जब उसे देखकर मुझे इतनी खुशी है और आनंद होता है, तो जिस किसी भाग्यवान का यह पुत्र होगा उसे कितना आनंद होता है। तो ये उसका मनोरथ था। तो के बालक सर्वदमन की दाई बाह में जब रक्षा का धागा महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने बांधा था, तभी सिंह सावक के साथ खेलते समय सर्वदमन के हाथ से वह जमीन पर गिर गया। दुष्यंत जब उसे उठाने के लगा तो तपस्विनियों ने उसे रोका। उसने कहा कि तुम उसे न उठाओ। फिर भी दुष्यंत ने उसे उठा लिया। तब तपस्विनियाँ आश्चर्यचकित हो गई और उसके आश्चर्य का जब कारण दुष्यंत ने उसे पूछा, तब उसने कहा कि यह धागा बालक के माता पिता के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता था। अगर कोई उठा ले तो यह सांप बनकर उसको डस लेता है। ऐसा अनेक बार यहाँ हो चुका था, परंतु के पिता है, बालक का पिता है, यानी कि सर्वदमन के वे दुष्यंत ही सर्वदमन के पिता है। तब राजा दुष्यंत को लगता है कि उसका जो मनोरथ था वो पूरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह एकांकी है कि उसके आधार बालक सर्वदमन की विशेषता, उसकी क्या विशेषता थी इस एकांकी में, उसका वर्णन कीजिए। तो सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक था कि जब कभी कोई उसे देखे तो उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। उसमें इतना आकर्षण था। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा था। उसका साहसी और निर्भीक स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह सावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। सिंह सावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी यानी कि जीती है कि तपस्विनियों के समझाने पर उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथों में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। तो बालक सर्वदमन की क्या विशेषता यहाँ पर बताई है? ये वह सुंदर है, स्वस्थ है और उसमें ये मुख इतना अग्नि जैसा दमक रहा है कि कोई उसकी ओर आकर्षण यानी कि उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। उसका साहसी, जो साहस वाला स्वभाव है, साहसी और निर्भीक, जो कि बिना किसी को भय, उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। निर्भीक स्वभाव देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सिंह सावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। सिंह के बच्चे के साथ खेलने में उसे जरा भी डर नहीं लगता। सावक की माँ सिंहनी का भी उसे, जो सिंह सावक के बच्चे थे, कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। कि वह कई बार उसे समझाती है कि तुम सिंह सावक के बच्चों के साथ न खेलो, वन में जो प्राणियों है अलग अलग उसके बच्चों के साथ न खेलो। बच्चे तो एक और वो सिंह से भी नहीं डरता था और बार बार तपस्विनियाँ उसे समझाती थी कि पर समझाने पर उसका कोई असर नहीं होता था। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे। उसे खिलौने से स्वाभाविक यानी कि बहुत खुशी नहीं मिलती थी। तो ये बालक सर्वदमन की खास विशेषता थी। यहाँ पर हमने देखे सविस्तार उत्तर, जो ऑलरेडी हमने PDF द्वारा फेसबुक में लिखे ही है। थैंक यू।